the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar, adab Sri akal I am doctor param ji da डॉक्टर एजुकेशन और आपको जैसे पता है हम बात करते हैं किसी न किसी हेल्थ केयर टॉपिक पे और आज आपको हम बताएंगे चक्कर क्यों आता है अगर आपको आते हैं चक्कर आपके सामने मौजूद चीज़ें घूमने लगती हैं और तो और आपको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चक्कर आते हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसको चक्कर को अ, 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 मेडिकल फील्ड में कहते हैं वर्टिगो और वर्टिगो एक सेंसेशन है जो कि मतलब स्पिनिंग मूवमेंट मोशन है जिसको कई बार डिजीनेस भी बोला जाता है लेकिन वो डिजीनेस नहीं है ट्रू वर्टिगो इज नॉट डिजीनेस डिजीनेस इज डिफरेंट एंड वर्टिगो इज मतलब डिजीनेस का मतलब होता है कि नींद सी आ रही है राइट फेंटिंग सिंकोप का मतलब होता है चक्कर आके गिर गए और वर्टिगो का मतलब होता है चीजें घूम रही सो वर्टिगो इज नॉट सेम एज लाइट हेडेड और वर्टिगो लगेगा कि को आप या को सामने वाली चीजें जो है ये गोल 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 घूम रही हैं यानी वर्ल्ड इज स्पिनिंग अराउंड यू ऐसा लगेगा आपको आपके आसपास इर्द गिर्द जो है चीजें जो है चक्कर खा रही हैं अब इसके क्या कारण होते हैं क्या मायने होते हैं इसको समझते हैं उसके बाद हम समझेंगे अलग अलग चीजें सबसे पहले देखो उसमें दो प्रकार के वटिको है एक होता है पेरीफेरल वटिगो एक होता है सेंट्रल वर्सिगो सेंट्रल और पेरिफेरल उसका क्या मतलब है समझते हैं पेरीफेरी का मतलब होता है दूर दूर पेरीफेरी दूर है तो पेरिफेरल वर्टिगो का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके इनर ईयर में है इनर ईयर में है इनर ईयर नाउ इनर ईयर का क्या मतलब और इसका क्या मतलब क्योंकि देखो आपका सेंटर ऑफ योर बॉडी इज योर ब्रेन ठीक है तो अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है, है तो सेंट्रल वर्टिगो और पेरीफेरी में प्रॉब्लम है ईयर में प्रॉब्लम है तो पेरीफेरल वर्टिगो वेरी सिंपल सो पेरीफेरी में आपके ईयर में प्रॉब्लम ईयर के अंदर जो इनर ईयर होता है एक्सटर्नल ईयर जहाँ पे आप ईयरबड डालते हो फिर मिडल ईयर जहाँ पे हड्डियाँ हैं जहाँ पे आवाज आती है जो पर्दे के पीछे का है उसके पीछे इनर ईयर होता है इनर ईयर में जो होता है ना एक बैलेंस कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जिसको हम कोकलिया और वेस्टिबुलर लेब्रिंथ बोलते हैं ये कोकलिया और वेस्टिगुलर लेब्रिंथ जो होता है जिसमें सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं आप ऐसे करते हो तो सेमी सर्कुलर कनाल घूमती है और उसको पता चलता है आप ऐसे करें नहीं तो आप ऐसे गिर नहीं जा रहे समझे तो बैलेंस इज बाय इज डन बाय दिस सेमी सर्कुलर कनाल्स कनाल आर कॉल्ड वेस्टिबुलर लेबरिन जो कि एक वेस्टिबुलर नर्व से आपके ब्रेन में अटैच होती है वो बताती है कि आप हिल रहे आपने कुछ किया आपने कुछ नहीं किया सो दैट्स वन थिंग इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल वर्टिगो यानी एक वर्टिगो अब ये पेरिफेरल वर्टिगो के बहुत सारे कॉमन सबसे कॉमन कारण है सबसे कॉमन कारण है बिनाइन पोजिशनल वर्टिको जिसको हम बी पी पी वी यानी बिनाइन पैरॉक्सिज्मल पोजिशनल वर्टिको भी बोलते हैं बिनाइन का मतलब है ये कोई बढ़ने वाला नहीं है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है पैरॉक्सिजमल uh, मतलब कभी कभी आया कभी कभी नहीं आया और पोजिशनल मतलब पोजिशन से चक्कर आते हैं पोजिशन से चक्कर नहीं आते ऐसे के तो चक्कर आते ऐसे क्या तो चक्कर आते समथिंग लाइक दैट तो बिनाइन पोजिशनल पैरॉक्सिज्मल वर्टिको बीपीपीवी सबसे कॉमन चीज है इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा बाद में कुछ दवाओं से चक्कर आते हैं चोट लगने से सर में चोट लग गई इंजरी होगी तो चक्कर आते हैं अगर ये वेस्टिब्यूलाइटिस हो जाए वेस्टिब्यूल लेब्रिंथ जो लेब्रिंथ है लेबरिंथ उसमें इंफ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाए इनर ईयर का तो भी चक्कर आ सकते हैं उसमें अगर वहां की जो नर्व है वो न्यूरोनाइटिस वहाँ वेस्टिबुलर नर्व में प्रॉब्लम हो जाए तो भी चक्कर आ सकते हैं वहाँ पर एक मीनियस डिजीज डिजनरेटिव डिजॉर्डर होती है वहाँ पर वो प्रॉब्लम हो जाए तो भी आते हैं दैट्स अ डिफरेंट डिजीज बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एक ऐसी कोई ना कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक कि वहाँ अगर प्रेशर भी आ जाए प्रेशर ऑन द वेस्टिबुलर नर्व बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ आसपास में कोई ग्रोथ हो रही है कैंसर हो रहा है कोई मैनेंजियोमा शोनोमा ब्रेन ट्यूमर वो उसको दबा रहा है तो चक्कर आ सकते हैं कई बार ब्रेन ट्यूमर का पहला साइन होता है चक्कर आ रहे हैं एमआरआई करके देखता हूँ अब इसको तो ब्रेन ट्यूमर है सो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल ठीक है सो प्लस देर आर सम मेडिसिन लाइक आई सेट उसमें डायोरेटिक पेशाब ज़्यादा आने वाली दवाई अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स सिस्प्लास्टिन सैलिसलेट्स ऐसी कई दवाइयाँ होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं इनर ईयर के लिए सो so, ऐसी चीज़ें इसीलिए एंटीबायोटिक खुद से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए डॉक्टर को सोचने दो आप गलती मत करो देन देर इज सेकेंड पार्ट सेंट्रल वर्टिगो ये सारे पेरिफरल वर्टिगो है इनर ईयर में प्रॉब्लम की अब सेंट्रल ब्रेन में प्रॉब्लम ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है सर्टरी ब्रेन के ब्रेन में या ब्रेन स्टेम में ब्रेन में एक पीछे पार्ट होता है ब्रेन स्टेम पीछे छोटा ब्रेन होता है छोटा जो नाना पार्टी का वो या नहीं मारने का या नहीं मारने का या छोटा मेन वो वाला छोटा ब्रेन वो छोटा ब्रेन जो होता है वो उसको बोलते हैं सेरीबेलम बड़ा ब्रेन को बोलते हैं ब्रम और ये है सेरी बेलम। सेरी बेलम आपके बेलम मतलब आपके जो जो मोशन होता है जो बैलेंस होता है उसको ऐसे से करता है उसको मेंटेन करता है तो आपके बैलेंस को वो पकड़ता है तो सेरिबेलम में प्रॉब्लम हो जाए तो प्र तो वहां पर आपके वटिगो आ सकता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है सेरिबेलम में ऑब्वियसली आपके सेरिबेलम में जाने वाली खून की सप्लाई में प्रॉब्लम हो ब्लड वेसल में कोई डिजीज हो जाए आर्टरीज में आर्ट्राइटिस हो जाए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगेन मल्टीपल स्कलरोसिस जिसमें सिर्फ नसें जो हैं मरने लग जाती हैं या स्ट्रोक हो जाए आपको कोई ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए वो सेरिबेलम को इन्वॉल्व करे चाहे वो ब्लीडिंग हो चाहे वो क्लॉट हो फिर ट्यूमर हो जाए सेरिबेलम सैरीबेलम कैंसरस या नॉन कैंसरस जो सिर्फ वहाँ जगह खा रहा है उसको दबा रहा है या कोई ट्यूमर जो बढ़ता जा रहा है या फिर आ, कुछ सीजर डिसऑर्डर दौरे पड़ते हैं रेयरली होता है दौरों में लेकिन हो सकता है सो दौरे पड़ते हैं तो भी हो सकता है एंड कुछ एंटी कलवर्जेंट दवाई अल्कोहल अल्कोहल कैन कॉज सेंट्रल वर्टिगो दारू पीने के बाद जो आपको होता है ना ये गिर रहे क्या गया वो सेंट्रल वर्टिगो होता है ठीक है ये क्यों घूम रहे वो सेंट्रल वर्टिको होता है ठीक है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्कोहल और एस्पिरिन के वजह से भी हो सकता है वो एंटी कन्वलसेंट मेडिकेशन दौरे की दवाई की वजह से भी हो सकता है दौरे के वजह से भी हो सकता है और वेस्टिबुलर माइग्रेन नाम की भी एक चीज़ होती है जिसमें कि माइग्रेन हेड होता है और साथ में चक्कर आते हैं सो so, समझ गए आप पेरीफरल कारण सेंट्रल कारण 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 फरारण अगर आपको चक्कर आएंगे वर्टिगो होगा तो क्या होगा आपके अलग अलग तरीके आपको सिर्फ इतना लगेगा चीजें घूम रही हैं ये सामने मैं बैठा हूं ये सारा चीजें घूम रही है ये क्या हो रहा है ये क्या घूम रहा है ठीक है स्पिनिंग सेंसेशन कैन बी विथ नोजिया वॉमिटिंग उल्टी भी आ सकती है उल्काई भी आ सकती है उसके साथ आपको और सिम्टम आ सकते हैं चक्कर आ जाना लिटरल डिजीनेस होकर गिर जाना आक, कानों से सुनाई देना बंद हो जाना चक बैलेंस होके गिर जाना आ, कानों में रिंगिंग टिंगिंग रिंग, टिंग, रिंग वो होना वॉमिटिंग बताया ही मैंने फोकस प्रॉब्लम आ सकती है आंखें फोकस करने में प्रॉब्लम है देख नहीं पा रहा चीज़ों को ऐसी चीजें हो सकती है याद रखिए ऐसे में जो डेंजरस सिम्टम भी आ सकते हैं डेंजरस का मतलब फेशियल पैरालिसिस डबल विजन खाना निगलने में प्रॉब्लम आना स्लर्ड स्पीच एक हाथ में वीकनेस ये सब होगा या मूवमेंट आई मूवमेंट का प्रॉब्लम ऐसा होगा तो फिर आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि दैट कैन बी बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ब्रेन वर्टिगो ब्रेन वर्टिगो में मतलब फिर आपका कोई स्ट्रोक हो सकता है दिक्कत हो सकती है सो so, आपने ये सारे सिम्टम्स को समझना है डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर करेंगे क्या आपका टेस्ट करेंगे आपको देखेंगे आप चल पा रहे हो कि नहीं सीधा चल पा रहे हो बैलेंस खो रहे हो कि नहीं आई मूवमेंट सही है कि नहीं आई मूवमेंट फॉलो करो बेटा और हियरिंग लॉस तो नहीं है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बैलेंस तो नहीं है वीकनेस तो नहीं है किसी एक हाथ पैर में सो वील नो सम आइडिया कि कहाँ है सेंट्रल है कि पेरीफेरल है वर्टिको फिर हमें टेस्ट कराने होंगे ब्लड टेस्ट इसमें ई होता है ब्रेन का ई इलेक्ट्रोनिस्टैग्म्राफी होता है कान के लिए हेड का सीटी स्कैन लंबर पंक्चर एमआरआई एमआरए एमआरआई स्कैन हेड का एमआर एंजियोग्राफी ब्रेन के जाने वाले ब्लड सप्लाई के लिए एक वॉक टेस्ट होता है चला के देखा जाता है गेट के आपके चाल सही है कि नहीं है कई बार कैलरिक स्टिमुलेशन टेस्ट भी किया जा सकता है ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल स्टडीज हो सकती है सो ऑल ऑल दीज स्टडीज आर देयर टू फाइंड आउट कि कहाँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम है एग्जैक्ट प्रॉब्लम मिलेगा तो ट्रीटमेंट मिलेगा ट्रीटमेंट तब मिलेगा जब कारण मिलेगा ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर वर्टिग्रो है तो पहले आपको उसका कारण ढूंढना पड़ेगा स्ट्रोक है कि क्या है बिनाइन पोजिशनल वटी को सबसे कॉमन है उसके लिए फिर हमें कुछ ट्रीटमेंट होता है जिसका बोलते हैं एप्लीज मेन्यूवर वो चीज में आ आपका जो हेड है वो क्या करेंगे योर हेड इज प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजिशन टू हेल्प रीसेट द बैलेंस ऑफ ऑर्गन्स वो एप्लीज मेन्यूवर करते हैं डॉक्टर वो आप अगर बीपी है तो ठीक है आपको इसके साथ में कुछ दवाएं दी जा सकती है अगर पेरिफेरल वर्टिगो नोजिया वामिटी ज़्यादा हो रही है फिजियोथेरेपी की जा सकती है ताकि आपका जो वर्टिगो है चक्कर आना है कम हो जाए आप गिरे ना फिर भी दिक्कत हो रही है तो आपने क्या क्या करना है भी अगर जब वर्टिगो रहा है तब खड़े हो जाओ रिलैक्स दौड़ो भागो मत इधर उधर कुर्सी में ढूंढो बैठे हो तो बैठे रहो खड़े हो तो खड़े रहो कुछ चीज़ पकड़ लो ग्रेजुअली अपना दूसरा काम करना शुरू करो सडन मूवमेंट सडन पोजिशनल चेंजेस ना करो ब्राइट लाइट्स अवॉइड करो डू नॉट रीड वेन अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो ये चीज़ों का ध्यान दें कोई खतरनाक अगर बार बार आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे कोई हैवी मशीनरी कार क्लाइंबिंग ऐसी कोई ऊंचाई जगहों पे मत जाए चक्कर खा के गिर जाएं, फालतू काम ना हो जाए समझे ट्रीटमेंट वर्टिको का याद रखिए दवाइयाँ फिजियोथेरेपी पोजिशनल थेरेपी या कभी कभी अगर सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है वो डिपेंड करेगा अगर बहुत कम केसेस में बहुत रेयर केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन दैट काइंड kind ऑफ of अ थिंग और एल्स वर्टिगो में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ड्राइविंग वर्किंग लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम चक्कर आके गिरना इंजरीज और फ्रैक्चर्स हो सकते हैं सो रिमेंबर वर्टिगो इज नॉट अ बिग डील इट्स समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड सेंट्रल वर्टिगो पेरिफेरल वर्टिगो बीपीपीवी बिनाइन प्रोसेशनल वर्टिगो डिजीनेस ये सब आपको पता होना चाहिए एवरीबडी शुड नो स्पेशली अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आपको पक्का पता होना चाहिए नहीं पता है नहीं नहीं पता शेयर करते जाओ वीडियो को शेयर करते जाओ लाइक करते जाओ सब्सक्राइब करो और कोई सवाल है तो पूछिए आई विल ट्राई टू आंसर थैंक यू सो मच टेकन एट स्टे हेल्दी